हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ की बुक का चैप्टर 11 मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। हम पहले जानते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली अ रिपीटेड एडिशन, मतलब रिपीट बार बार रिपीट होने वाली चीज़ को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में, थ्री रोज ऑफ फ्लावर, तीन लाइन है फ्लावर्स की, ईच रो हैज़ फोर फ्लावर और तीनों में चार चार फ्लावर है। तो 1 2 3 4 4 फ्लावर कितनी है, एक दो तीन रोज है। ठीक है, रोज ऐसे वाली होती हैं, कॉलम होते हैं ये वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी है, देखो फोर फ्लावर की थ्री रोज, तो 4 + 4 + 4 कितनी है, 3 × 4। ठीक है, इस तरीके हमें आपको क्वेश्चन करने हैं, फाइंड द प्लेस होल्डर टू मेक द करेक्ट असाइनमेंट। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले हम काउंट करेंगे ये कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है तो हम यहाँ पर इस वाली कॉलम में 5 लिख देंगे। अब कितने के हैं, ये जितने के हैं उतने यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 5 का दे रखा है तो 5 यहाँ पे, देन 1 2 3, 3 9 है 9, 1 2 3 4, 4 सॉरी 5 है स्टूडेंट्स, 1 के 1 2 3 3 10 के, 1 2 3 4 4 3 का 1 2 3 4 4 2 के, 1 2 3 4 5 5 4 के, इसी तरह आपको याद करने हैं। ठीक है, मैं इसमें क्या करना है, जितने हैं उसे पहले आगे लिखना है काउंट करके, और जिसके हैं जैसे 5 का है 9 है वो इस पीछे वाले कॉलम में लिखना है, इसी को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो। जब भी हम जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो उसका आंसर जीरो होगा। जैसे 8 का मल्टीप्लाई हमने जीरो के संग किया, जीरो, और 8 टाइम्स हम जीरो को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो। जैसे 3 का मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई 3 के संग करेंगे तो अभी आंसर क्या आएगा, जीरो। 5 का मल्टीप्लाई जीरो से तब भी आंसर जीरो। 2, 0 का मल्टीप्लाई 2 से तब भी आंसर जीरो। 0 का मल्टीप्लाई 6 से तब भी आंसर जीरो। ऐसे 0 का मल्टीप्लाई 9 से तब भी आंसर जीरो। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लीकेशन हमें 1 का करना है। अगर हम 1 का जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इन ईच इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। हम जब भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो उसी के इक्वल आएगा। जैसे 4 का 1 का मल्टीप्लाई हमने 4 के संग किया तो क्या आया, 4। अब 1 का मल्टीप्लाई हम 3 के संग करेंगे तो क्या आएगा, 3। 1 का 6 के 6, 1 का 7 से 7, इस तरह ही करना आप। और देखो मैं एक तरह से बता रखा, 1 का मल्टीप्लाई हमने 4 से किया, 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया, और 1 + 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 4। ऐसे 1 का मल्टीप्लाई 3 से करो या 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो, आंसर क्या आएगा, 3। स्टूडेंट अब देखो मल्टीप्लाई है कुछ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 के टेबल्स हैं। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको करने हैं खुद याद। 2 = 2, तो वह 1 2 जा 2, 2 + 2 4, 2 2 जा 4, 1 × 2, इस तरह से 2 + 2 + 2 6, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 9 2 जा 18, 10 2 जा 20। 2 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके संग करना है। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है, ओके स्टूडेंट्स, और याद भी होने चाहिए आपको, 2 का 3 का सॉरी 4 का और 5 का। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल आती है एक, पहले से देखते हैं फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो एक जगह लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंट, एक जगह लिखे 2 3 4 5, जो हमने टेबल याद करें अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अगर 2 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2। 2 का मल्टीप्लाई 3 2 से करेंगे 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, ये मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है इधर, इसी तरह स्टूडेंट ये सारे होगा। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई में 10 से करना है, मतलब 3 वाली रो में 10 तक जाना है तो क्या आ जाएगा, 30। क्या आएगा यहाँ पर, 30। अब 5 का मल्टीप्लाई 9 से, 5 का मल्टीप्लाई 9 वाली टेबल में देखेंगे 45 कितना आ रहा है, 45। 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 का 1 वाली रो में देखेंगे क्या आएगा, 3। 5 का 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 वाली रो में 25। ठीक है,
फोर का फोर से, फोर का फोर से 16। स्टूडेंट देखो ये सारे मैंने फिलअप किए हैं, इस तरह ही आपको करनी है अपनी नोटबुक में। अब ये क्या, फोर का मल्टीप्लाई हमने 10 से किया, फोर वाली रो में 10 पे जाना है तो क्या आएगा 40। ठीक है, टू का सिक्स है, टू वाली रो में सिक्स पे 12। ठीक है, इसी तरह आपको भी करनी है। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। सो स्टूडेंट थैंक यू।